अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके जीन्स पैंट में मोहरी में चैन लगता है। साइड में देखिए, साइड में चैन लगा है। ये कैसे लगा है आपको दिखाएंगे। देखिए इस तरह का जो है, ये बेल बॉटम भी हो जाएगा। और जो बच्चों का पैर में सही से चढ़ता नहीं है, टाइट रहता है मोहरी, तो इस तरह से चैन लगा देते हैं इसमें, आसानी से पैर में घुस जाता है। और इसको अगर मोहरी छोटा करना हो तो इसको बंद कर दिए, छोटा हो जाता है। तो इसको हम सिलाई कैसे किए हैं आपको दिखाएंगे, भी सिल के देखते हैं। दोस्तों इस पैंट को बनाने के लिए लंबा छोटा करना है, और यहाँ पर साइड में ये जिप भी लगेगा, थोड़ा सा बेल बढ़ाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम 36 इंच का जो है लंबाई का नाप लिए हैं, ऊपर से लेकर के यहाँ देख लीजिए 36 इंच का यहाँ पर हम मार्किंग कर दिए 36 इंच की। और यहाँ से मार्जिंग हम 2 इंच रख करके इसको काट के अलग कर देंगे। ये लंबाई जो है यहाँ से काट के इसको अलग कर दिए, ये टुकड़ा, ठीक है। अब चैन जो लगेगा, जिप जो लगेगा, यहाँ जो हम मार्जिन लिए हैं यहीं से हमको जो है ये करना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से नीचे से नहीं लेना है, यहाँ से लेना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जितना आ रहा है इसको मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद में इस साइड को जो है खोल के इतना से इतना खोल लेंगे। ये देखिए हमने एक ठो खोल के रखा है, यहाँ से यहाँ तक हमने जो जिप लगाएंगे इसको खोली है एक साइड में, और दूसरा साइड भी हम खोल लेंगे, ठीक है। और ये लेंथ का जो कपड़ा हमने काट के रखा है, इसका जो ये सिलाई है, इस सिलाई को हम पहले खोल लेंगे। देखिए हमने ऑलरेडी खोल दिया है इसको, अब ये साइड का जो सिलाई रहा है इसको भी हम खोल देंगे। देखिए खोल दिया इसको, अब इसको भी हम अलग कर देंगे, यहाँ से इसको अलग कर देंगे, ये वाला कपड़ा को अलग कर देंगे। वन पार्ट इसको ले लिए, इसी तरह से इसमें से भी एक पार्ट ले लेंगे, और इस साइड में ये कपड़ा लगाएंगे और सिलाई करके हम अभी आपको दिखाते हैं। जो मैंने लिया था ये क्रॉस करके मैंने काट लिया है इसको, और ये नीचे में साइज मैंने रखा है इसको 4 इंच, देखिए 4 इंच का साइज है, 4 इंच। और ये जो लंबाई है चैन के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा रखना है, चैन के हिसाब से 1 इंच बड़ा रखे हैं, देखिए इतना बड़ा है। लेकिन ये चैन को लगाने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, ये जो ये वाला साइज है इसको ऊपर तरफ इधर पतले की तरफ रखेंगे, और ये खुला वाला जो है ये खुलेगा इस तरह से, ये नीचे तरफ जाएगा। तो इसको हम पहले जोड़ लेते हैं, इसमें अटैच कर लेते हैं पूरा, उसके बाद फिर पैंट में लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से पूरा से ऊपर से ले लेना है इसको, नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा रख देना है, ठीक है। इसको इस तरह से जोड़ लेंगे, पहले किनारी सिलाई मार करके इसको पहले जोड़ लेंगे। इसी तरह से इस साइड को भी जोड़ लेंगे। इसको हमने अटैच कर लिया है, ये पैंट को उल्टा कर लेना है, इस तरह से उल्टे साइड से सिलाई मारेंगे। एक कपड़ा पहले ले लीजिए इधर के मोहरी को, यहाँ से अटैच कर लीजिए, यहाँ से नीचे से कपड़ा से बराबर से। देखिए जहाँ तक सिलाई खोला है, ये जितना चैन है वही चैन के हिसाब से ही आपको सिलाई खोलना है, उससे ऊपर नहीं खोलना है। देखिए इतना से खोल के इसको देखिए हम बराबर से यहाँ से एक चाप का सिलाई ले लेंगे। मैंने सिलाई मार लिया इसको यहाँ से यहाँ तक, अब ये ऐसे सीधा कर लेना है, और इसको ऊपर फिर चढ़ा लेना है यहाँ से। और यहाँ पर देखिए ये जो थोड़ा सा नोक यहाँ पर सिलाई का, यहाँ से थोड़ा हल्का सा चटका लगा लेना है, इस तरह से हल्का सा मामूली चटका लगा लीजिए, तो ये पलट जाएगा इस तरह से, ऐसे आ जाएगा। और यहाँ से फिर इसको सिलाई को ले करके इस तरह से थोड़ा सा जिप का जो लॉक है थोड़ा नीचे उतार लीजिए इस तरह से, और यहाँ से जो सिलाई है इसको मेकअप करके लेके जाएंगे इसे। ये देखिए इस सिलाई के ऊपर से इस तरह से यहाँ से क्रॉस कर लेंगे थोड़ा सा, ये देखेंगे इसका ऊपर सुई नहीं चढ़ जाए, नहीं तो सुई टूट सकता है, ऐसे करके क्रॉस करके इसको सिलाई ले लेंगे यहाँ से। इसी तरह से हम पूरा इसको सिलाई को मार लेंगे। देखिए हमने इसको जोड़ लिया, और पैंट को हम सीधा करके ऊपर सिलाई मारेंगे, सीधा कर लेते हैं।
हमने इसको सीधा कर लिया पॉइंट को, चैन लग गया है। अब इसका किनारे में एक सिलाई मार्क लेके जाएंगे, इस तरह से बराबर से आप रख लीजिए मशीन में और किनारे से एक सिलाई मारते रहो। बिल्कुल इसके चैन को ये बराबर से ऐसे रख लेंगे, तो सूता वगैरह होगा तो इसको पहले ही निकाल देंगे, ना तो फंसेगा तो चैन में डिस्टर्ब करेगा, इसलिए सूता जो भी होगा निकाल देंगे इसको। और इस तरह से सिलाई पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमा लेना, तक आ गया जोड़ तक। अब देख सकते हैं इसको यहाँ से, इस तरह से हमने अंदर घुसा करके इसको लिया है सिलाई को, और इस तरह से पलट के यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे, और फिर रिटर्न यहाँ पर आपको ले जाना है इस तरफ से। करने के बाद हम ये लॉक है, इस लॉक को आप ऊपर खींच के ले जाएंगे ऐसे, और इसको थोड़ा फ्री कर लेंगे जगह को ऐसे, इस तरह से फ्री कर लीजिए। और यहाँ से इसको सिलाई को मार करके पूरा कपड़ा को बराबर से पॉइंट में रख करके देखिए इस तरह से मार के इसको पूरा कर लेंगे। ये देख लीजिए इसको हमने लगा लिया, कितना अच्छा तरीके से लग गया है वाला। अब लास्ट इसका मोरी अप मोड़ेंगे, ये पूरा हो जाएगा। आपने देख लिया, अब ये बेल बॉटम भी हो गया है। अब अगर नेहरो करना चाहते हैं तो इसको खींच देंगे इस तरह से, तो ये नेहरो हो जाएगा, पैंट का मोरी नेहरो हो जाएगा इस तरह से। और अगर बेल करना चाहते हैं तो इसको खोल दिए, इस तरह से मोरी को मोड़ लेंगे यहाँ से, इस तरह से ऊपर से सिलाई मार के पूरा कर लेंगे। यहाँ से हमने इसको कपड़ा को मोड़ लिया है, तो सिलाई मार लेंगे। आप लोगों ने देखा मेरा वीडियो को, और जो नए लोग हैं ज़रूर से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अपने लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए पूरी तरीके से हमने इसको बना दिया है, मोरी को मोड़ भी दिया है, और ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, कितना अच्छा बन गया है, ठीक है। आप भी कोशिश करिए, ठीक है।